मालवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर आज मैं दिवाली स्पेशल बताने जा रही हूँ, जो कि इससे पहले मैं आपको कई सारी व्यंजन बता चुकी हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी। थोड़ा अलग तरीका आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही ईजी है और काफी टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री बता देती हूँ। फ्रेंड्स, रेसिपीज बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा मालवा रेसिपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए राइट बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और पास में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर रेसिपी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, सामग्री में मैंने लिया हुआ है एक कटोरी शक्कर है, उसी क्वांटिटी में मैंने बेसन लिया हुआ है। एक कटोरी हमारा बेसन है। आप यहाँ पे चाहे तो बाहर से भी ले सकते हैं, घर का पिसा भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक कटोरी पानी लिया हुआ है, इसे कहाँ पे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और थोड़ी इलायची है, 4 से 5 मैंने इलायची कूट के रखा हुआ है। आधी कटोरी हमने देसी घी लिया हुआ है और ये कवर है, चांदी के लिए हमने कवर लिया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर कलर यूज करना चाहे तो आप कलर यूज कर सकते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए मैं इसे यूज नहीं कर रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें गैस ऑन करना है और ये जो घी है इसके अंदर हमें डालना है, कढ़ाई के अंदर। पूरा घी हमने डाल दिया है, हमारा घी गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो घी है ये अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये बेसन को डालेंगे। धीमी आंच में हम हिलाते रहेंगे तब तक ये ब्राउन अच्छा ब्राउन ना होए, तब तक हमें डार्क ब्राउन करना है इस बेसन को। तो हम हिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे से डार्क ब्राउन हो गए हैं। फ्रेंड्स, इसे क्या हम पहले भी निकाल लेंगे, अगर हमारी बर्फी बनाएंगे तो अच्छा डार्क नहीं दिखेगा ये। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो हमारा पानी, मैंने आपको बताया कि मैं इस पानी को क्या यूज में लूंगी, तो ये जो कटोरी के पानी है ये हम अच्छी दानेदार अच्छी फुली हुई बर्फी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालेंगे। काफी देखिए फूल भी गया है और काफी अच्छे से बबल्स छूट रहे हैं। ये थोड़ा फूल गया है और ये अच्छे से बिखर भी गया है, इसे हमें बिखराने की जरूरत नहीं पड़ती है। हल्का सा और यहाँ पे डालेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का सा डालना है ताकि अच्छे से फूल जाए। और जब हम इसे बहुत ज्यादा कलर देने के लिए अच्छा भूनते हैं तो फिर इसमें क्या जलने भी लग जाता है, तो पानी डालने से कढ़ाई भी थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। और ये जो हमारे बर्फी है इसका जो बेसन है ये भी अच्छे से फूल जाता है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। वो क्या है, होती है कच्चे आटे की तरह चबाती है, जिसमें हम पानी नहीं डालते हैं, तो कच्चे आटे की तरह चबाती है ये, उस टाइप का टेस्ट नहीं देगी, ये काफी अच्छा टेस्ट देगी। तो ये देखेंगे, मैंने गैस को बंद कर दिया है और इस तरीके से हम इसे छोड़ देंगे, बाकी हम चाशनी की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम चाशनी की तैयारी कर रहे हैं। शक्कर डाल देते हैं और एक कटोरी हमने शक्कर डाली है, तो यहाँ पे हम एक कटोरी पानी डाल देंगे ताकि जल्दी से हमारी शक्कर फूट जाएगी और चाशनी तैयारी कर लेते हैं। हमारी शक्कर फूल गई है और इसे फूटते तक हम इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ये चाशनी है ये लगभग बन चुकी है और मैंने इसे बीच बीच में बहुत हिलाया है और इसे हिलाना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इलायची ही डाल रही हूँ ताकि इसका अच्छे से भून जाए इसके अंदर। तो अभी हमारी चाशनी बनी नहीं है और हम इसे चेक करेंगे फ्रेंड्स। और चेक किस तरीके से करना है, ये मैंने चम्मच से लिया है और ये काफी गर्म होती है और इसका तार अभी एक ही आया है, तो हम उसे और थोड़ी देर करेंगे, 2 तार की चाशनी बनाएंगे तो ये जल्दी से जम जाएगी बर्फी जो हमारी है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो चाशनी है देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और ये देख सकते हैं इस तरह की गाढ़ी हो गई है। अब मैं आपको एक बार और दिखाऊंगी, ये देखेंगे ये इस तरह की 2 तार की चाशनी हो गई है। और ये ऐसे करेंगे तो ये काफी वाइट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो अब हमारा जो ये बेसन है इसको हम डाल देंगे।
तो फ्रेंड्स हमारी चाशनी अच्छी गाढ़ी हो गई है, अब हम इसे बेसन को डाल रहे हैं। इस तरीके से अच्छे से हिला देंगे इसे। इसमें कोई गुठली ना रहे, हमें थोड़ा अच्छा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। और हमने गैस को बंद कर दिया है। हमने प्लेट तैयार कर ली है। देखिए ये जमने लग गई है और अब हम इसे प्लेट में डालेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसमें घी लगा लिया है, प्लेट तैयार कर ली है और अब हम इस थाली में डाल रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कटोरी की सहायता लूंगी। हम इसे कटोरी की सहायता से इस तरह से सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कवर लगा देंगे इसको। ये जो कवर होता है बहुत पतला होता है, इसे लगाने में थोड़ी परेशानी जाती है, तो हम इस तरीके से लगा देंगे इसे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अभी इनके पीसेस काट लेंगे। तरीके से ये तुरंत बन जाती है। फ्रेंड्स मैंने आपको इससे पहले बेसन की लड्डू रेसिपी भी बताई थी, वो भी काफी अच्छी रेसिपी है, स्वीट रेसिपी है, और उसे भी आप दीपावली में लड्डू भी बना सकते हैं बेसन के, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आए थे, तो आप भी उसे जरूर ट्राई करें। ऊपर कार्ड में आप देख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी लिंक दी गई है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बहुत कम कवर लगाए हैं, आप चाहें तो पूरे में कवर लगा सकते हैं। ये पूरी मैंने काट ली है, अब हम ठंडा होने का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी बेसन की बर्फी बनके रेडी हो चुकी है, काफी टेस्टी बनी है, हमने इसे ट्राई करके भी देख लिया है। ये काफी सॉफ्ट है, खोए की जो हम बर्फी बनाते हैं उसी तरह सॉफ्ट बनी हुई है, और इसे खाने में काफी अच्छा टेस्ट आता है, बनाने में बहुत कम समय लगता है। आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। लाइक और शेयर करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूले। अगर अभी तक आपने हमारा मालवा रेसिपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि आपको और भी नई नई रेसिपी देखने को और खाने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी से।